हबुका किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन अचारी। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले अचारी मसाला रेडी करते हैं। एक पैन में आधा छोटा चम्मच सौंफ यानी वरियाली, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, एक छोटा चम्मच कलौंजी और दो लाल सूखी मिर्च ऐड करके इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद मिक्सी जार में निकाल लेंगे। इसे क्रश कर लेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए आधा किलो चिकन, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, डेढ़ बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चार बड़े चम्मच दही, और अचारी मसाला जो हमने रेडी किया था वो सारा ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई में चार बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। एक छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे। दो हरी मिर्च टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे और एक मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। एक मिनट बाद दो मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज ऐड करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो जाने के बाद दो मीडियम साइज के बारीक कटे टमाटर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। टमाटर पल्पी हो जाने तक इसे पकाएंगे। टमाटर पल्पी हो गए हैं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। 5 से 7 मिनट भून लेने के बाद दो बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसे ड्राई होने तक भुनेंगे। ये ड्राई हो गया है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद
ढककर इसे चिकन कुक होने तक पकाएंगे। चिकन कुक हो गया है, अब इसमें एक टुकड़ा अदरक का स्लाइस में कटा ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। चिकन अचारी रेडी है सर्व करने के लिए, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।